हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने प्रीवियस क्लासेस में अपन ने अवकलन पढ़ा था, और इस क्लास में आज अपन समाकलन पढ़ेंगे। और समाकलन जो है वो तीन प्रकार का होगा, आपका रेखीय समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन और आयतन समाकलन। रेखीय समाकलन में आप एक लाइन का इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पर एक लाइन आएगी आपकी ए से बी तक, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए होगा और एंडिंग पॉइंट बी होता है। इसे आप एक लाइन इंटीग्रेशन यानी एक ही इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आप एक चर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स जिसका कोई फलन एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। और क्षेत्रीय समाकलन में आप दो चरों का इंटीग्रेशन करेंगे और दो चरों के फलन का इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स वाई डी ए के रिस्पेक्ट में, और इसे डबल इंटीग्रेशन द्वारा डिनोट करते हैं। इसके बाद आयतन समाकलन आता है, और आयतन समाकलन में आप तीन चरों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ पे तीनों चरों के फलन एफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी वी के रिस्पेक्ट में करते हैं, और इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन द्वारा डिनोट किया जाता है। जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है, इसके अंदर आप एक क्षेत्र ले लेते हैं एक्स वाई तल पे, उसमें इसका इसके छोटे छोटे क्षेत्रफल निकाल करके उनका इंटीग्रेशन किया जाता है। और यहाँ पर मैं उदाहरण बता देती हूँ। तो पहले जो आप रेखीय समाकलन का उदाहरण देखेंगे वो होता है, यदि आप कोई भी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, उसका एक्स वन से एक्स टू तक आप अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो उन दो बिंदुओं के बीच उसके विभवांतर को व्यक्त करता है। और जो आपका डबल इंटीग्रेशन होता है, इसका उदाहरण होता है, यदि किसी एक्स वाई तल पर आवेश वितरित हैं, तो उस तल के किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा हो, तो सिग्मा का जो आप इंटीग्रेशन करेंगे dA के रिस्पेक्ट में, वो इंटीग्रेशन तल पर वितरित कुल आवेश को, तल पर आवेश को क्या बताता है, उस तल पर वितरित आवेश को बताएगा। इसके बाद आते हैं हम आयतन समाकलन पे, और आयतन समाकलन किसी आयतन V पर आवेश असमान रूप से वितरित है तथा अति सूक्ष्म आयतन अवयव dV में आवेश का आयतन घनत्व अगर रो है, तो सूक्ष्म आयतन पर संपूर्ण कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो dV होगा। यानी आपको जो उसका आयतन आवेश का घनत्व है रो, उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, आयतन अवयव की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो उस आयतन में जितने भी आवेश होंगे, वो आवेश कहाँ से पता लगाएंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो कुल आवेशों की संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल में किया था आपने, उसमें जितने भी तल पर आवेश वितरित है, उन आवेशों की संख्या कैसे पता लगाएंगे, उसमें से किसी आवेश का क्या ले लेंगे आप पृष्ठ घनत्व सिग्मा ले लेते हैं, और उसका क्षेत्रफल अवयव डी ए की रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो कुल आवेश की को बता देगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशंस हैं, ये वेक्टरों में कैसे लागू होते हैं। तो हम वेक्टर समाकलन पढ़ेंगे, और वेक्टर समाकलन भी आप देखेंगे कि तीन प्रकार से ही करना है आपको। वेक्टर समाकलन भी तीन प्रकार से होगा, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन। यहाँ पर देखेंगे रेखीय समाकलन कैसे करेंगे। तो रेखीय समाकलन के लिए मान लेते कोई ए वेक्टर क्षेत्र है, जिसपे एक फ्लक्स रेखा पी क्यू है। माना कि फ्लक्स रेखा के बिंदु बी पर वेक्टर ए वेक्टर की लंबाई क्या हो जाएगी, डी एल वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। यहाँ पर पी क्यू लाइन है आपकी, फ्लक्स रेखा है, इस पे बी पॉइंट पे आपका ए वेक्टर ले लेते हैं, और वो ए वेक्टर डी एल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाता है। यदि ए वेक्टर का परिमाण तथा दिशा फ्लक्स रेखा जो पी क्यू है, इसके अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग परिमाण और दिशा आती है, तो इसका जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका पी से क्यू तक इंटीग्रेशन लेना है आपको ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर भी आप इसी को डॉट प्रोडक्ट को ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ले लेंगे पी टू क्यू ए डी एल कॉस ऑफ थीटा।
यहाँ पर जो आप ए वेक्टर और इसका वैल्यू निकालेंगे वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निकालेंगे, और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड, तथा डीएल की जो होगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड। और इसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप बताएंगे तो क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आप पी टू क्यू इंटीग्रल आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड डॉट आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड। और यहाँ पर आपको पता है डॉट के अंदर क्या होता है, जो सेम होते हैं आई केप डॉट आई केप वाले इंटू हो जाएंगे, और आई केप डॉट आई केप क्या हो जाता है वन हो जाता है, जे केप डॉट जे केप क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, एंड के केप डॉट के केप क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, और उन्हीं के ही आपके अवयव क्या हो जाएंगे इंटू हो जाएंगे ए एक्स डी एक्स से इंटू हो जाएगा प्लस ए वाई डी वाई से इंटू हो जाता है और ए जेड डी जेड से इंटू हो जाएगा। अदरवाइज जो भी आप ए एक्स को अगर डी वाई से इंटू करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आई केप डॉट जे केप हो जाएगा, यानी सेम वेक्टर्स एकांक वेक्टर नहीं है तो वहाँ पर उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए वो सारे ही जो रहेंगे आपके अवयव वो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, इसलिए जो बचे हुए रहेंगे वही आप यहाँ लिखते हैं इसको कैलकुलेट करके। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप पृष्ठीय समाकलन पढ़ेंगे, और पृष्ठीय समाकलन से को देखने से पहले मैं इसके उदाहरण बता देती हूँ आपको, और उदाहरण है आपका किसी गतिमान कण पर एफ वेक्टर बल लगाया जाता है तो रेखीय समाकलन जो एफ वेक्टर डॉट डीएल होगा बल द्वारा कण को पी से क्यू बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बताता है। ओके फिर अगर आप क्या कर दिया जाए कि जो पी और क्यू पॉइंट है आपका किसी भी रेखा पर या कोई भी कर्व है उस पर पी क्यू बिंदु है तो अगर उसका इंटीग्रेशन उसके मार्ग पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करे सिर्फ उस बिंदु पर पी और क्यू बिंदु पर डिपेंड करता है तो वो आपका जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र कौन सा हो जाता है संरक्षित क्षेत्र हो जाता है, और उस संरक्षित क्षेत्र पर जो आपका समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर कोई मैं मार्ग बना देती हूँ पी क्यू और इसको ऐसे करके बना देते हैं आप, तो यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं और पी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट भी आता है, तो यहाँ पर जो इसका ये क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये बंद वक्र को बताता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम पृष्ठीय समाकलन पे, और पृष्ठीय समाकलन को बताते हैं। माना एक वेक्टर क्षेत्र में पृष्ठ एस पर डी ए वेक्टर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यहाँ पे मैं डायग्राम में बता देती हूँ आपको कि आपने कोई एस पृष्ठ लिया हुआ है और इस पृष्ठ पर एक क्या है छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए वेक्टर, इस डी ए वेक्टर की जो दिशा होगी वो क्या होगी लंबवत बाहर की ओर होगी पृष्ठ के, और यदि क्षेत्रफल के मध्य बिंदु पर वेक्टर का मान कैपिटल ए वेक्टर है और यहाँ पर जो वेक्टर का मान होगा वो क्या होगा कैपिटल ए है, तो जो आपका ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डी ए वेक्टर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, को क्षेत्रफल डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाले ए वेक्टर का क्या बोलेंगे आप उसको फ्लक्स को बोलेंगे। ठीक है, और अर्थात इसको अगर आप इंटीग्रेशन में डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ए कॉस ऑफ थीटा डी ए को वेक्टर ए वेक्टर का क्या बोलेंगे पृष्ठीय समाकलन बोलेंगे। यहाँ पर जो ए वेक्टर का यहाँ समाकलन ए वेक्टर का पृष्ठ एस पर संपूर्ण फ्लक्स को क्या करता है बता डिनोट करता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसका उदाहरण, और उदाहरण है यदि बहते हुए द्रव का वेग वी वेक्टर है तो जो वी वेक्टर
का पृष्ठ समाकलन होगा वो पृष्ठ एस में होकर द्रव के बहने की दर को बताता है कि एकांक समय में कितना उससे द्रव उस पृष्ठ से द्रव बह रहा है। इसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट आयतन समाकलन। आयतन समाकलन यदि वेक्टर क्षेत्र में किसी आयतन बी में एक अत्यंत सूक्ष्म आयतन अवयव dv पर वेक्टर क्षेत्र का मान अगर a वेक्टर है तो समाकलन जो आपका इंटीग्रेशन a वेक्टर dv को a वेक्टर का क्या बोलेंगे आप आयतन समाकलन बोलेंगे। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में देखते हैं तो a वेक्टर इक्वल्स टू हो जाता है आपका i केप a x प्लस j केप a y प्लस k केप a z और जो dv की वैल्यू हो जाएगी आयतन वो हो जाएगा आपका dx dy dz और इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ i केप ax प्लस j केप ay प्लस k केप az dx dy and dz। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको जैकोबियन बताती हूँ। जैकोबियन इस जैकोबियन क्या होता है आपका जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है बहु समाकलन होता है जिसमें आपके ज़्यादा चर होते हैं एक्स वाई जेड चर होंगे इस चर को क्या करते हैं आप दूसरे पदों में दूसरे चर पदों में आप इसको बदलते हैं तो इस रूपांतरण को आप क्या बोलते हैं जैकोबियन अनुप्रयोग बोलेंगे उसको। और इस अनुप्रयोग को करने के लिए आप क्या करते हैं कोई भी एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं आप ट्रिपल इंटीग्रेशन ले लिया आपने एफ एक्स वाई जेड टी एक्स डी वाई डी जेड अब क्या करेंगे इसको आप यू वी डब्ल्यू के अंदर क्या करते हैं आप यू वी डब्ल्यू के अंदर आप इनको चेंज करते हैं तो आप इसके अंदर कैसे चेंज करेंगे इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे फाई यू वी डब्ल्यू ये फाई जो है वो ये एफ एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में बदलने पर आपको एक फलन मिलेगा उस फलन को आप फाई यू वी डब्ल्यू बोलेंगे और ये चेंज हो जाते हैं आपके ये चेंज हो जाएंगे आपके डी जेड बाय डी W और dy by dv and dx by du du dv tw के अंदर चेंज हो जाते हैं और जो आपका ये dz by dw dy by dv और dx by du जो है ये आपका हो जाएगा जैकोबियन इसको आप डेल के तौर पर लिखेंगे तब आपका ये इसको क्या बोलेंगे आप जैकोबियन बोलते हैं और जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी मैं बता देती हूँ यहाँ पे मोड ऑफ डेल एक्स बाय डेल यू डेल वाई बाय डेल यू एंड डेल जेड बाय डेल यू डेल एक्स बाय डेल वी डेल वाई बाय डेल वी डेल जेड बाय डेल वी एंड डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू ये जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं जैकोबियन और यहाँ से आप जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे और जो जैकोबियन की वैल्यू है उसको आप डिनोट ऐसे भी करते हैं डेल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय डेल यू वी डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं जो कि आपका जैकोबियन के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स अगर दो चर हैं तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे दो चर है तो दो ही चर लिख लेंगे आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीन ही हो दो भी हो सकते हैं आप उसको ऐसे दो चरों को आप ऐसे डिनोट करेंगे और ये आपका जैकोबियन होता है। और अगर इसको इंटीग्रेशन के तौर पर लिखेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन के तौर पर लिखा जाएगा वो हो जाएगा फाई यू वी W जैकोबियन आ जाएगा आपका यहाँ पे और आपके इसके बाद आ जाएगा डी यू डी बी एंड डी डब्ल्यू। ओके स्टूडेंट्स ये क्या है जैकोबियन एप्लीकेशन है और जैकोबियन अनुप्रयोग है और ये जो है वो क्या है आपका जैकोबियन का निकालने का फॉर्मूला होता है इससे आप जैकोबियन निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो आज की वीडियो पसंद आई हो और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल।
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई